हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटू के मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बेनेली की रिसेंटली लॉन्च्ड बाइक बेनेली TRK 251 का KTM एडवेंचर 250 के साथ। दोनों ही टिपिकल एडवेंचर टूरर टाइप की मशीन है, दोनों ही काफी मस्कुलर बाइक हैं। सो ऐसे में इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, इन दोनों में से कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको बेनेली TRK 251 और KTM एडवेंचर 215 दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी और बाइक के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो यार, बेनेली ने रिसेंटली ही बेनेली TRK 251 को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया है, जो इंडिया में बेनेली की सबसे चीपेस्ट मशीन है। और KTM के एडवेंचर 250 को मार्केट में आए हुए काफी टाइम हो गया है और दोनों ही बाइक्स 250cc सेगमेंट के अंदर आती है। सो इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। बेनेली TRK 251 के अंदर 249cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। KTM एडवेंचर 250 के अंदर 248.8cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। दोनों बाइक्स की इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट के अंदर काफी डिफरेंस है। सो दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो बेनेली TRK 251 की मैक्सिमम पावर है 26 PS और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 21 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। एडवेंचर 250 की मैक्सिमम पावर आउटपुट है 30 PS, मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 24 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। दोनों ही बाइक्स के अंदर 6-speed गियरबॉक्स है, लेकिन यार KTM के एडवेंचर 250 के अंदर 6 PS पावर ज्यादा है और 3 Nm स्पाइक के अंदर टॉर्क ज्यादा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के मामले में एडवेंचर 250 बेटर स्टैंड करती है। इसी वजह से KTM के एडवेंचर 250 का इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप भी TRK 251 से बेटर है और साथ ही इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस भी TRK 251 से बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेनेली की TRK 251 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इस बाइक की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 250cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग बेनेली TRK 251 की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट काफी डिसेंट है और इस बाइक की परफॉर्मेंस भी हमें काफी डिसेंट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बाइक इंटरनेशनल टूलर मार्केट में काफी टाइम से अवेलेबल है और इंडिया में बेनेली ने इस बाइक को रिसेंटली ही लॉन्च किया है। सो ये तो बात होगी इन दोनों बाइक्स के इंजन और आउटपुट फिगर्स के बारे में। यहाँ पे KTM के एडवेंचर 250 बेटर स्टैंड करती है। तो भाई, अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की चेसी और सस्पेंशन के बारे में। बेनेली TRK 251 स्टील ट्यूब्स फ्रेम पे बेस्ड है और एडवेंचर 250 स्टील ट्रेल्स फ्रेम पे बेस्ड है। दोनों बाइक्स के अंदर 43mm के प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है और दोनों बाइक्स के अंदर रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो दोनों ही बाइक्स के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स दिए गए हैं और दोनों बाइक्स काफी हैवी मस्कुलर लुकिंग मशीन है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। बेनेली TRK 251 की फुल टैंक कैपेसिटी है 18 लीटर्स की और KTM एडवेंचर 250 की फुल टैंक कैपेसिटी है 14.5 लीटर्स की। सो TRK 251 फुल टैंक कैपेसिटी के मामले में काफी अच्छी स्टैंड करती है, क्योंकि यार 18 लीटर्स की फुल टैंक कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है। TRK 251 की सीट हाइट है 800mm और एडवेंचर 250 की सीट हाइट है 855mm। TRK 251 का ग्राउंड क्लियरेंस है 170mm और एडवेंचर 250 का ग्राउंड क्लियरेंस है 200mm। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में एडवेंचर 250 बेटर स्टैंड करती है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। TRK 251 के अंदर 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 150/60 सेक्शन का रियर टायर है। एडवेंचर 250 के अंदर 100/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 130/80 सेक्शन का रियर टायर है। दोनों ही बाइक्स के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, लेकिन TRK 251 के अंदर फ्रंट और रियर में दोनों ही 17 इंच के व्हील्स हैं, लेकिन एडवेंचर 250 के अंदर फ्रंट में 19 इंच का व्हील है और रियर में 17 इंच का व्हील दिया गया है। TRK 251 के अंदर 280mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 240mm की रियर डिस्क ब्रेक है। एडवेंचर 250 के अंदर 320mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 230mm की रियर डिस्क ब्रेक है और दोनों ही बाइक्स के अंदर स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है। TRK 251 के अंदर फ्रंट में ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद LED DRLs, LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं और LCD डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। TRK 251 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने में काफी अच्छा है। एडवेंचर 250 के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट दी गई है विद LED DRLs, LED इंडिकेटर्स हैं और LCD डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। सो दोनों ही बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी अच्छे हैं। दोनों बाइक्स के अंदर रियर में LED टेल लाइट दी गई है और दोनों बाइक्स की माइलेज के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको 35-40 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। एडवेंचर 250 का एक और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि बाइक के अंदर स्लीपर क्लच दी गई है, जो TRK 251 के अंदर नहीं है। और दोस्तों, एडवेंचर 250 के अंदर नकल गार्ड्स दिए गए हैं,
जो बेनली की TRK 251 के अंदर नहीं है। दोनों ही बाइक्स के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंड स्क्रीन है जो विंड ब्लास्ट से काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के लुक्स और डिजाइन और स्टाइल के बारे में। दोनों ही बाइक्स काफी मस्कुलर लुकिंग मशीन है, लेकिन बेनली की TRK 251 दिखने में काफी ज्यादा हैवी है और ये बाइक दिखने में बहुत ज्यादा मस्कुलर है। वैसे तो दोस्तों KTM की एडवेंचर 250 भी काफी मस्कुलर लुकिंग बाइक है, लेकिन इन दोनों बाइक्स को अगर कंपेयर करें तो TRK 251 ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा हैवी लगती है। TRK 251 को देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बाइक 250 cc सेगमेंट की बाइक है। एडवेंचर 250 का एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और एडजस्टेबल क्लच लीवर दिया गया है, लेकिन TRK 251 के अंदर ये फीचर्स नहीं है। लेकिन दोस्तों दोनों ही बाइक्स काफी प्रीमियम लुकिंग मशीन है। दोनों ही बाइक्स के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब फाइनली बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। बेनली TRK 251 का एक शोरूम प्राइस है 2,51,000 और KTM एडवेंचर 250 का एक शोरूम प्राइस है 2,30,000। दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस में 21,000 का डिफरेंस है और 21,000 का डिफरेंस काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एडवेंचर 250 के अंदर काफी सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो बेनली की TRK 251 के अंदर नहीं है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी KTM की एडवेंचर 250 काफी अच्छी स्टैंड करती है। सो दोस्तों ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है फीचर्स परफॉर्मेंस, तो फिर आपको KTM की एडवेंचर 250 के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है माइलेज मस्कुलर लुक्स, तो फिर आप बेनली की TRK 251 के लिए जा सकते हो। लेकिन दोनों ही बाइक्स काफी अच्छी हैं, दोनों ही बाइक्स वैल्यू फॉर मनी मशीन है। बेनली को TRK 251 के अंदर भी कुछ एडवांस फीचर्स देने चाहिए जो KTM के एडवेंचर 250 के अंदर है, जैसे कि स्लीपर क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर। लेकिन ये दोनों बाइक्स टिपिकल एडवेंचर टूरर टाइप की मशीन है। पहले इंडियन टूरर मार्केट में एडवेंचर टूरर टाइप की मशीन्स के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अभी मार्केट में एडवेंचर टूरर बाइक्स के काफी अच्छे ऑप्शन आ चुके हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।